कि चप्पल में एनकाउंटर करने चले जाते हैं, और चप्पल भी गौर से देखिएगा तस्वीर आप, चप्पल में धूल नहीं लगी है, पूरी टीम के बाल नहीं बिखरे हैं। अगर किसी का किसी से एनकाउंटर मुठभेड़ होती है, कम से कम बाल तो बिगड़ जाएं। हम देखो, मेरा इंटरव्यू देने में हालत ख़राब है, पसीना पसीना हो रहा हूँ, वहाँ पूरी टीम के ना चेहरे पे पसीना है, ना बाल बिगड़े हैं, ना जूते में कुछ लगा हुआ है। चौथी बात, इसी दौरान डीके शाही की पत्नी को योगी सरकार में राज्य में जो महिला आयोग है उसका सदस्य बना दिया जाता है। एनकाउंटर केवल अगर जाति देख के नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या वजह है कि किसी घटना में आरोपी का नाम मोहम्मद आता है, किसी में यादव आता है, किसी में पासी आता है, किसी में गौतम आता है, तो वो 100% लंगड़ा किया ही जाएगा, उसको गोली मारी ही जाएगी। दूसरे में सामने उदाहरण है ना, बिपिन सिंह कैसे कर लिया सरेंडर, ये बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है। मंगेश यादव जो कि 20 वर्ष का एक युवक है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, हाल ही में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि वो एक ज्वेलरी के शॉप में चोरी हुई थी, उस ज्वेलरी के शॉप में जो भी अपराधी थे उनमें से उसका नाम भी शामिल था। उसकी हत्या किस तरीके से सामाजिक मुद्दा बना हुआ है, किस तरीके से पूरे समाज में सनसनी को लेके आया है, इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ नीरज पटेल जुड़ रहे हैं। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर इस बारे में उनकी क्या राय है। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव करके एक लड़का था, 20 साल का युवक था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मत है? देखिए, मंगेश यादव पर बहुत पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, पक्ष विपक्ष मामला बहुत गर्म, लेकिन जितना मैंने करीब से देखा कुछ चीज़ें संदेह पैदा करती हैं। जैसे जो डीके शाही हैं, डिप्टी एसपी एसटीएफ के, बकायदा जियो शासनादेश लागू है उत्तर प्रदेश में कि कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी मीडिया में बयानबाजी नहीं करेगा, लेकिन डीके शाही लगातार बयानबाजी करते हैं, अपना सम्मान समारोह आयोजित करते हैं और पॉलिटिकल बयान देते हैं कि जो जैसा अपराध करेगा वैसी सजा देंगे। तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? यानी कि न्यायपालिका खत्म कर देनी चाहिए, ध्वस्त कर देनी चाहिए, मान लेना चाहिए कि एसटीएफ ही सब कुछ है। एक चीज मैं सिर्फ संदेह पे बात करूंगा, मैं जज नहीं हूं। दूसरा संदेह, डीके शाही की जो टीम थी, डिप्टी एसपी, 2 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा कांस्टेबल, उनमें एक भी ओबीसी एससी का नहीं था, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने खुद उस पर वीडियो बनाया है। सारे सवर्ण क्यों रखे जाते हैं? पूरी टीम के जूते देखे जाते हैं। डीके शाही इतने बड़े मतलब कॉप हो चुके हैं कि चप्पल में एनकाउंटर करने चले जाते हैं, और चप्पल भी गौर से देखिएगा तस्वीर आप, चप्पल में धूल नहीं लगी है, पूरी टीम के बाल नहीं बिखरे हैं। अगर किसी का किसी से एनकाउंटर मुठभेड़ होती है, कम से कम बाल तो बिगड़ जाएं। हम देखो, मेरा इंटरव्यू देने में हालत ख़राब है, पसीना पसीना हो रहा हूँ, वहाँ पूरी टीम के ना चेहरे पे पसीना है, ना बाल बिगड़े हैं, ना जूते में कुछ लगा हुआ है। चौथी बात, इसी दौरान डीके शाही की पत्नी को योगी सरकार में राज्य में जो महिला आयोग है उसका सदस्य बना दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि वो पहले से ही गोरखपुर मंडल की महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। यानी कि इतने पॉलिटिकल कनेक्शन के बाद आप इतने महत्वपूर्ण मसले पर डीके शाही को क्यों बनाए हुए हैं? भाई ये बात सही है कि भाई किसी की पत्नी राजनीति कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकती है, लेकिन फिर आप जिम्मेदारी पद पर, इस तरह के पद पर जहां सवाल उठ रहे हो, उस तरह के पद पे नहीं बैठा लेंगे ना। ये कुछ चीजें हैं जो बार बार संदेह पैदा करती हैं। और बात खुल के आई है कि इस घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसका नाम बिपिन सिंह था, उसको बस सरेंडर करा दिया गया है और इसकी इनकाउंटर कर दी गई। जैसे क्या कहेंगे आप, सीधे सीधे पॉलिटिकल तौर पर बयान नहीं लगाया जा सकता, आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जैसे पत्रकारों का भी काम है कि वो साफ निगाह से देखें, तो अगर आप निगाह से देखें तो दिखता है आपको कि 3 लोगों को लंगड़ा कर दिया गया, पैर में गोली मारी गई, एक व्यक्ति सिर्फ, 5 लोगों जिनको पुलिस ने डिटेक्ट किया उनमें से एक व्यक्ति का एनकाउंटर होता है, उसके ऊपर 8 मुकदमे थे, ठीक। 3 लोगों के पैर में गोली मारी जाती है, उनमें से किसी के ऊपर 7, किसी के ऊपर 8, ठीक है, उनमें से 2 ठाकुर थे, 1 SC वर्ग का था। 5वां व्यक्ति जिसके ऊपर 34 मुकदमे दर्ज थे, बिपिन सिंह, और वो राज्य नहीं अंतर्राज्यीय माफिया था, उसके ऊपर सूरत से लेके तमाम जगह पर थे, वो इतनी बड़ी एसटीएफ के, सख्त एसटीएफ, तेज तर्रार एसटीएफ, जिसके पास सर्विलांस है, जिसके पास इतना हाईटेक सिस्टम है, उसको दादा बताते हुए चुपचाप आता है और सरेंडर करके चला जाता है। तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे सीएम की जाति वही, एसटीएफ के एडीजी की जाति वही, एसटीएफ का सीओ जो बनाया गया इसका इंचार्ज, उसकी जाति वही। प्लस मैंने एक और आंकड़ा निकाला, इस समय उत्तर प्रदेश एसटीएफ में 21 ऑफिसर हैं हाई लेवल पर, एडीजी से लेकर के नीचे डिप्टी एसपी तक, 21 में से 15 सवर्ण हैं और 15 में से 10 ठाकुर समाज के हैं। तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि एसटीएफ का मतलब पहले स्पेशल टास्क फोर्स होता था, अब स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया है, ये बहुत
ऐसा नहीं कि एकदम क्लियर है, टी गैंग हो गया, ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन उसके नजदीक जाता हुआ दिखता है। क्यों? एक बात और कह देता हूँ क्यों। एसटीएफ में इस समय 8 डिप्टी एसपी हैं, 8 में से 50% 4 डिप्टी एसपी ठाकुर हैं और 8 के 8 सवर्ण हैं। डिप्टी एसपी की ही जिम्मेदारी होती है कि फील्ड में जाकर के किसी को निपटा दो या किसी का सरेंडर करवा लो, इसलिए इस तरह की चीजों पे संदेह उत्पन्न हो रहा है। अगर जाति का एंगल नहीं है तो परिवार की इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या वास्तव में वो 2 दिन पहले घर से उठा लिया गया था। परिवार के 3 लोगों ने, मैंने 3 लोगों के बयान सुने, बहन का, माँ का और पिता का, तीनों लोगों के बयान सेम। इतने सामान्य घर में जहाँ परेशानियाँ हो, एग्जैक्ट टाइम टू टाइम नहीं मिल सकता कि 2 बजे उठा ले के ले गए, एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता। मतलब यानी कि कोई साजिश होती तो अलग अलग बयान आते ना, पूरा परिवार कह रहा है कि 2 दिन पहले उठा के ले गए, परिस्थितियाँ कह रही। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, खुद जो डिप्टी एसपी साहब हैं, शाही साहब, उन्होंने अदम में साहस का परिचय देते हुए 2 लोगों को बाइक पर रोका, दूसरा व्यक्ति कैसे भाग गया। इतने अदम में साहस के बावजूद, इतनी गन और इतने बंदूकों के बावजूद 2 लोग बाइक पे थे, एक का एनकाउंटर हो गया, दूसरा तुम पता भी नहीं कर पा रहे हो कि उसको गोली लगी कि नहीं लगी, बिना गोली लगे वो भाग कैसे गया। इसका मतलब प्रथम दृष्टिया समझ में आता है कि ये कहानी पूरी झूठी है। क्यों? इससे पहले, जस्ट पहले, एक मुस्लिम का एनकाउंटर किया था, सेम कहानी, वो भी बाइक से आ रहा था, उसकी भी ऐसी मुठभेड़ हुई, उसको भी ऐसी गोली मारी गई। तो देखिए, एनकाउंटर्स पर उत्तर प्रदेश में लगातार सवाल उठे हैं, लेकिन जिस समय उत्तर, हर व्यक्ति को किसी न किसी कड़ी से जोड़ा जाता है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़े होकर के ये कह दें 2 जातियों के लिए, मुस्लिम के लिए और यादव के लिए, सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, यानी कि गोली से मारने की जब हम धमकी देते हैं, तो फिर आपकी पुलिस आपके अकॉर्डिंग ही एक्ट करने लग जाती है। तो लगता है ऐसा, मैं श्योर नहीं कह सकता। एक एनकाउंटर तो दुबे का भी हुआ था बीच में। हाँ, बिल्कुल हुआ था। उस बारे में कुछ कहेंगे आप? उस एनकाउंटर, इस एनकाउंटर में फर्क है, उसने तमाम पुलिस वालों को निपटा दिया था, वो पुलिस की अस्मिता से, पुलिस की डायरेक्ट जिंदगी से, प्लस जो पुलिस वाले वहां जा रहे थे उनके घर परिवार से जुड़ा हुआ मामला था। अगर वो लोग इतने, आप घटनाओं में अंतर समझिए, जैसे किसी दुबे का आप बता रही हैं, उत्तर प्रदेश में जो परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय योगी आदित्यनाथ जी के समाज के जो माफिया हैं, उनमें से एक का एनकाउंटर बता दीजिए आप, बता दीजिए, और एक बता दीजिए जिसके ऊपर 20 से कम मुकदमे हों, कोई आप टी सीरीज का माफिया उठा लीजिए। तो एनकाउंटर केवल अगर जाति देख के नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या वजह है कि किसी घटना में आरोपी का नाम मोहम्मद आता है, किसी में यादव आता है, किसी में पासी आता है, किसी में गौतम आता है, तो वो 100% लंगड़ा किया ही जाएगा, उसको गोली मारी ही जाएगी। दूसरे में सामने उदाहरण है ना, बिपिन सिंह कैसे कर लिया सरेंडर, ये बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है, इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी घटना, या छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए धनंजय सिंह, उसी जौनपुर के धनंजय सिंह इलेक्शन के दौरान जेल जाते हैं, 20-21 दिन में जमानत होती है, बाहर आते हैं, रंगबाजी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बुलडोजर का मुंह मोड़ा तक नहीं, मतलब 1 इंच भी कहीं बुलडोजर चला नहीं, जबकि सबको पता है कि अपहरण किया, ये किया, मतलब धनंजय सिंह आरोपी नहीं है, अपराधी है, कोर्ट अपराधी कह चुकी है। यहाँ आरोपियों के घरों पर 20 करोड़ के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं, 2 करोड़ के घरों पर, यहाँ अपराधी के घरों पर नहीं चल रहे हैं। आपको एक बात और पता है, ब्रजेश सिंह, पूर्वांचल का बड़ा माफिया, ब्रजेश सिंह मोदी जी के चुनाव में बकायदा मंच पर बीजेपी का पट्टा गले में डाले हुए मोदी जी के लिए वोट मांग रहा था। इसको क्या कहेंगे आप? मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मुझे खुशी है कि आप माफिया खत्म करिए हमारे प्रदेश में, लेकिन वही माफिया जब टी सीरीज निकल जाते हैं तो आपकी शक्ति नरमी में कैसे बदल जाती है, आप एकदम इतने सख्त मुख्यमंत्री से पुलपुले मुख्यमंत्री कैसे हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं, एकदम दिल आपका एकदम बाग हो जाता है, हाँ, पिघलने वाला हो जाता है, तो वो साफ साफ दिखता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।